Hey everyone, welcome back to Ninja Prep. First of all, a very happy Diwali to you all and I wish कि आप सभी को आप लोगों का ड्रीम कॉलेज मिल जाए. तो दिस इज़ कपिल गोयल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो MBA कोर्सेज है उसकी जो काउंसलिंग चल रही है CUET PG के थ्रू. तो हालांकि उसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसे फॉलो कर वो वीडियो आप देख सकते हैं. फिर भी कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हमें किस रैंक पर अप्लाई करना चाहिए, यानी कि काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, हमें कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सा मतलब IMS या IIPS मिल जाएगा, क्या हमें काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो होपफुली इस वीडियो से आप लोगों के वो जो डाउट्स हैं जितने भी वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि जो DAVV की काउंसलिंग है वो चल रही है और मैंने अपने पुराने वीडियो में ये बताया था कि जिन लोगों की 94% है उन लोगों को आराम से मिल जाएगा ये कॉलेज. बात करें अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की यहाँ पर, तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो है यहाँ पर 1050 है और 1050 सीट्स के अगेंस्ट लगभग 10,000 कैंडिडेट्स जो हैं उनको बुला रही है DAVV. यानी कि अगर आप ये रैंक देखोगे टोटल तो 10,000 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है, यानी कि सीटों से लगभग 10 गुना जो बच्चे हैं उनको बुलाया गया है. अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो एक तो कमाई चल रही है बढ़िया, क्योंकि 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो 10,000 बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो अपने आप गणित लगा सकते हो MBA करने वाले हो. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत लेट हो गई है, काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लेट हो गई है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा, और कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि जो रैंक है वो खसकती चली जाएगी, पीछे जाती जाएगी, है ना. तो रैंक अगर पीछे जाती है तो उस केस में आप लोगों का भी फ़ायदा है, जिन लोगों की रैंक बहुत ज़्यादा है या पीछे तक है तो उनके भी चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर उनको एडमिशन मिल जाए. तो मिल जाए तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि जिन लोगों की रैंक 5,500 तक भी है, जिन लोगों की रैंक ओपन कैटेगरी में ना, ओपन में जिन लोगों की रैंक 5,500 तक भी है, तो चांसेस ये बनते हैं कि उन्हें भी किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल जाए. अब ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी को फिनेंस मिल जाएगा, सभी को मार्केटिंग मिल जाएगा. आजकल बिजनेस एनालिटिक्स एक हॉट कोर्स है, आजकल मीडिया जो है या ई कॉमर्स है वो भी एक हॉट कोर्स है, तो वहाँ पर भी एडमिशन की डिमांड बच्चों की ज़्यादा है. तो किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, परंतु जो आप सोच रहे हैं वो तो टॉप रैंक वालों को ही मिलेगा. जो मार्केटिंग है, जो फाइनेंस है, वो तो टॉप रैंक वालों को ही जाएगा, परंतु 5,500 रैंक तक भी यहाँ पर बच्चों के हाथ कुछ ना कुछ लग सकता है. दो कॉलेज हैं यहाँ पे, ये हमें पता है, एक है IMS और एक है IIPS. तो IMS और IPS के लिए ये काउंसलिंग चल रही है. कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं. एक तो एम्प्लॉई कोटा भी है. एम्प्लॉई कोटा का मतलब हो गया जो लोग DAVV में एम्प्लॉई हैं तो उनके बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका कोटा है. NRI कोटा है, SC ST ओपन, PWD EWS ये सारे कोटा हैं. कोटा केवल उनके अगेंस्ट ही लगेगा जो MP के डोमेसाइल हैं. MP के जो डोमेसाइल नहीं है, यानी कि जो MP का सर्टिफिकेट नहीं है जिनके पास, और जो अदर स्टेट से हैं, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे. जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो MP के बाहर के हैं वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के काउंट होंगे यदि उनका MP कोटा नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों के 5,500 तक भी रैंक है तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए. तो 5,500 तक की रैंक जिनकी है उनको मेरे हिसाब से काउंसलिंग का फॉर्म भर देना चाहिए अगर अभी तक नहीं भरा है, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में जो टॉप रैंक वाले बच्चे होंगे उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा, और कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा इसका मतलब जो काउंसलिंग के लिए बच्चे हैं वो इतना नहीं पहुंचेंगे. काउंसलिंग प्रोसेस की ये डेट्स दी हुई हैं, 1 तारीख 2 तारीख. होगा क्या काउंसलिंग प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में आप जाओगे, जो ये वेन्यू दे रखा है तक्षशिला कैंपस, यहाँ पर आप पहुँचना है आपको, यहाँ पर पहुँचोगे आपका जो मतलब जैसे लाइन में लगते हैं, लाइन में लग के आपकी जो स्क्रूटनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कराए जाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस सीट के अगेंस्ट आपको एडमिशन चाहिए नहीं चाहिए. अगर आप यस कर दोगे तो वो सीट कटती जाएगी, है ना. तो इस तरह से वो एडमिशन प्रोसेस पूरा होता जाएगा. फिर किसी स्टूडेंट को यदि रिफ़ंड चाहिए, उसने मन बदल लिया कि मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए, तो रिफ़ंड की जो प्रोसेस है वो UGC का जो नया नियम आया है 2022 वाला, उसके अगेंस्ट, उसके अकॉर्डिंग रिफ़ंड की प्रोसेस है. उस नियम के अकॉर्डिंग केवल 1,000 रुपये आपका जो है वो कटेगा और उसके बाद आपको जो भी फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाती है.
रिफ़ंड ज़रूरी नहीं कि सेम डे पे आ जाए, रिफ़ंड का जो 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है उस टाइम के अंदर आपके जो अकाउंट में वो फ़ी आ जाती है। तो जिन लोगों की 5,500 तक भी रैंक है वो भी सेकंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर देना। कई स्टूडेंट्स को उनकी रैंक नहीं मिल रही है कि रैंक कहाँ से देखें, तो रैंक देखने के लिए आपको DAVV की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे CUET PG रैंक अपनी चेक करनी पड़ेगी, तो वहाँ से आपको रैंक मिल जाएगी। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट DAVV काउंसलिंग प्रोसेस। होपफुली इस वीडियो से आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो अपने जो डाउट्स हैं उनको कमेंट में लिखकर आप भेज सकते हैं, कोई भी क्वेरी आप उनकी जो कमेंट में भेज सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।